रोकना चाहिदा। एक कौन बंदे ने जिहड़े साढ़े धर्म दे कन्नै खलवाड़ करना चाहते हैं। अस हर धर्म की कदर करने, हर धर्म की नमस्कार करने, हर धर्म की मत्था टेकने, लेकिन ये साढ़े धर्म की एक पासा शिव भोलेनाथ भगवान बनाए, एक पासा राम भगवान बनाए, एक दूए की गाली कढ़ा करते। यह मूवी बनाने वाला है कौन? शिवजी भगवान के नाम पर साढ़े भगवान बनाई है ते एक दूए की गाली कढ़ा देन, ये मजाक है। मैं चाहना ऐसे लोगों की सख्त सख्त सजा देनी चाहिए गवर्नमेंट ने। आज देश भर में गुस्से की लहर और उबाल है, क्योंकि हिंदुओं की आस्था के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ किया गया, एक बार फिर से मजाक का पात्र बनाया गया और कुछ ऐसे दृश्य तांडव वेब सीरीज में लोगों के सामने प्रदर्शित किए गए हैं, जिसके बाद लगातार जो है प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। वहीं जम्मू में मौजूद और जम्मू में भी काफ़ी हिंदू संगठनों ने व डोगरों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। मेरे साथ बाबा चंचल सिंह जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ महज TRP के लिए या फिर किसी भी मूवी को, किसी भी वेब सीरीज को हिट करवाने के लिए इस तरह से मजाक करना जायज़ है, क्योंकि किसी भी धर्म का मजाक जो है कोई बर्दाश्त नहीं करता और आस्था का केंद्र माना जाता है देवी देवताओं को। वेब सीरीज आई है और उसमें पूरी तरह से मजाक का पात्र जो है वहां पर बनाया गया हिंदू देवी देवताओं का, कैसा देखते हैं इसको? मैडम जी, मैं गल आखना चाहना भाई, कुछ धर्म करना जेड़ा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जिन्हें मूवी बनाई है, इन्हें जिन्हें ये पिक्चर मूवी बनाई है, हर नैट च पाई दी है, हर दुनिया को जा करती है। मैं चाहना जिन्हें लोगों बनाई इन्हें चुकी जेल के बच्चे ठोकना चाहिए। ये कौन बंदे ने जो साढ़े धर्म के कन्नै खिलवाड़ करना चाहते हैं? अस हर धर्म की कदर करने, हर धर्म की नमस्कार करने, हर धर्म की मत्था टेकने, लेकिन ये साढ़े धर्म की एक पासा शिव भोलेनाथ भगवान बनाए, एक पासा राम भगवान बनाए, एक दूए की गाली कढ़ा करते। यह मूवी बनाने वाला है कौन? जेल के बच्चे ठोकना चाहिए। मैं गवर्नमेंट अगर अपील करना, ऐसे हीरो नहीं जरा, इन्हें बैन करना चाहिए, इन्हें पिक्चर नहीं बना देनी चाहिए, इन्हें मैदान च नहीं आना देना चाहिए। जेडे लोग हिंदू धर्म की और भड़कान और हिंदुस्तान की लड़न, ऐसे लोगों की कदम माफ नहीं करना चाहिए। कहते कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन आज़ादी का मतलब ये तो नहीं है ना कि कुछ भी कर दिया जाए और कुछ भी दिखाया जाए और जनता के दिल में ये इस तरह से मजाक बनाया। और मैं पूछना चाहना भाई, ये कड़ी आजादी है जो साढ़े धर्म की गालियाँ कड़ी जा कर दिया? राम भगवान के नाम पर, शिवजी भगवान के नाम पर साढ़े भगवान बनाई है ते एक दूए की गाली कढ़ा देन, ये मजाक है। मैं चाहना ऐसे लोगों की सख्त सख्त सजा देनी चाहिए गवर्नमेंट ने। ऐसे लोगों की कदम नहीं बख्शना चाहिए जेड़े लोग साढ़े धर्म के खिलाफ चला करते हैं। एक हिंदू भड़कना भड़का करते हैं, कल हिंदू भड़की जागन तो फिर कल भी कोई हिंदुस्तान के बच्चे कोई ऐसा अपराध हो जाग तो जिम्मेवार कौन है? ऐसे हीरो की चुकी है जेल का बच्चे ठोकना चाहिए 10-10 साल वास्ते। जो हीरो है, जो एक्टर है, जो निर्देशक है, माफी मांगी है, क्या माफी जायज है इसमें? माफी मांगने का क्या मतलब है? एक बार एक पिसू साढ़े देवियां देवता के नाम पर गाली कढ़ा कर दे, एक पास माफिया मंगा कर दे, तो यह मूवी तैयार क्यों की? जे कल अस भी कुसै दे धर्म पर अंगल उठाइए, हाली दे अस 7 बारी भी नहीं सोचते, कन्न पकड़ने हाँ कि कोई भगवान सब का एक है। मैं चाहना ऐसे लोगों की शर्म चाहिए है, ये लोग भड़काने वाले लोग न, देश दा बिच अग लाने वाले लोग न, इन्हें लोगों की कदम माफ नहीं करना चाहिए। जैसे फिल्मों में सेंसर बोर्ड होता है, अगर इस तरह से इंटरनेट पे जो फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पे आती है, इसके लिए क्या सेंसर बोर्ड बनना चाहिए जिससे पहले उनको पता चले कि आखिरकार फिल्मों में है क्या, कौन सी? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बोर्ड गवर्नमेंट का तैयार होना चाहिए। पहले गवर्नमेंट की पता होना चाहिए भाई, ये बिल्कुल जी मूवी बना करती है, ये मूवी ठीक है, देश के बच्चे जाग, अच्छा संदेश जाग। मूवी का क्या मतलब है? मूवी का मतलब है सब धर्म को जोड़ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, हम लोगों ने मिलकर रहना चाहिए। तो जेडे लोग अग लाने वाले इन्हें लोगों ने चुकी है जेल के बच्चे ठोकना चाहिए। चले, साफ तौर पर जो लोग इस तरह से आग लगाते हैं देश में या धर्मों का बंटवारा करते हैं, गुस्सा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, उनके लिए एक ही स्थान जो है निर्धारित किया गया है, वो है जेल की सलाखें, ऐसा कहना बाबा चंचल सिंह जी। इसी के साथ विजुअलिस्ट अर्जुन के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।